नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 6 मार्च 2022, और यहां पे 7 मार्च 2022 के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। 2-4 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि बाहर था, आउट ऑफ स्टेट था, अब वापस आ गया और वीडियो आपके सामने हाजिर है। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप एंड्रॉइड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू फायर्स एलएस ब्लू एंजल वन या जीरोधा किसी एक में अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आप पूरे विस्तृत एनालिसिस के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ प्राप्त करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक से। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, हम लोग पहले देख लेंगे निफ्टी के फार्मा इंडेक्स को। देखिए फार्मा इंडेक्स को सबसे पहले देखें फिर उसके स्टॉक्स को देखें। तो फार्मा का जो इंडेक्स है वो अपने लोअर लेवल पर आ चुका है, यानी 12,400 का जो क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है उसके पास में वो कहीं ना कहीं आ चुका है। और आप इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं, इसी ट्रेंड लाइन पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार आता है और यहाँ से बाउंस करके ऊपर की साइड में चला जाता है। एक बार अगर ये 12,400 के नीचे आता है, 12,400 के नीचे, तो गिरावट बन सकता है, अदरवाइज यहाँ वो एरिया है, वो लेवल है जहाँ से इसको ऊपर जाने के चांस बनते हैं। 12,800 के ऊपर इसमें मजबूती देखने को बनेगा। तो एस्ट्राजेनिका पे नजर रखिए। देखिए एस्ट्राजेनिका जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी उसके बाद से ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक रेंज में होल्ड कर रहा है। तो इस रेंज के ऊपर निकलने के बाद एक आपको अच्छी बाइंग बन सकती है और वो रेंज आता है 2700 के ऊपर, 2690 से 2700 के ऊपर अगर एस्ट्राजेनिका निकलता है तो आपको 2800 के टारगेट के लिए पोजिशन बनाना चाहिए। और विंडो फार्मा जब तक इसके ऊपर नहीं जाए 635 से 40 के ऊपर, तब तक पोजिशन हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, नजर रखेंगे। निचला लेवल 590 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसके नीचे जाने पे कमजोरी होगा। बायोकॉन की बात करते हैं। देखिए बायोकॉन अपना लोअर लेवल की बात करें तो 310 से 315 के आसपास में आता है, और जिस तरह से ये फॉल हुआ है मुझे लग रहा है इसका फॉल बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। एक बार अगर ये 315 के आसपास आ जाता है देन यहाँ से तेजी से बाउंस करेगा, नहीं अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 340 के ऊपर फिर बाउंस आएगा 350 से 60 के लिए। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला हेल्थ केयर 380 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने पर मजबूती बन सकता है, अदरवाइज अगर इसके नीचे ही निकलता है अपने लोअर लेवल के नीचे जो इसका लो आता है 340 के नीचे, इसके नीचे आने पर कमजोरी स्टार्ट हो जाएगा और देन 320 तक जा सकता है। सिप्ला की बात करें 920 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, 920 के नीचे निगेटिव, फिलहाल 940 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा 960 के टारगेट के लिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 960 का, टच कर सकता है उसको। डिवीज लैब की बात करते हैं तो डिवीज लैब में जो पोजीशन बन रहा है वो 4200 के ऊपर बनेगा, 4300 से 4400 के लिए, और नीचे अगर 4050 को ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे 3950 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी देखिए अपसाइड में जाने के लिए 3900 के ऊपर 4100 तक के टारगेट बन सकता है, डॉक्टर रेड्डी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा की तो अपना लोअर लेवल 420 के नीचे जाने पर कमजोरी स्टार्ट करेगा 400 के टारगेट के लिए, 440 के ऊपर जाने पर मजबूती आ सकता है 450 से 60 के लिए। गर्नर्स इंडिया 300 का रेजिस्टेंस है, 300 के ऊपर जाने पर मजबूती आएगा और 275 के नीचे आने पर कमजोरी हो जाएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें देखिए 2600 इंपॉर्टेंट हर्डल हो चुका है डॉक्टर लाल पैथलैब का, निचला लेवल है आ सकता है 2300 के नीचे आता है, 2340 के नीचे अगर गिरता है तो सेल करेंगे 2300 के टारगेट के लिए डॉक्टर लाल पैथलैब में, कमजोरी बहुत है इसमें। लुपिन की बात करें लुपिन 740 से 750 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने पर मजबूती होगा, अदरवाइज जब तक अगर ये 720 के ऊपर भी अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करें तो आप एक थोड़ा सा रिवर्सल मान के चल सकते हैं, अदरवाइज अभी अवॉइड करके चलेंगे। रिस्की ट्रेडर 720 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। नोवार्टिस की बात करते हैं, देखिए नोवार्टिस में 600 ये जो रेंज है इसके ऊपर जाने पर 640 से 45 का लेवल है, उसके ऊपर जाने पर मजबूती आएगा, अदरवाइज अभी अवॉइड कर सकते हैं। पिरामल की बात करें तो पिरामल लगभग 2000 तक का लो मार दिया है, अब 2100 के ऊपर जाएगा तो पिरामल में मजबूती बनेगा, अदरवाइज कमजोरी रहेगा। स्ट्राइड फार्मा 3.5% की तेजी, मुझे लगता है स्ट्राइड फार्मा अब यहां पर होल्ड कर रहा है तो 330 से 32 के ऊपर अगर स्ट्राइड फार्मा निकलता है 350 तक के टारगेट बना सकता है, निचला लेवल 305 के नीचे कमजोर हो जाएगा 290 के टारगेट के लिए। सन फार्मा 840 के ऊपर निकलेगा तो 860 तक के टारगेट दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें 2800 के ऊपर निकलेगा तो 2850 से 2900 के टारगेट। और वोकट फार्मा देखिए जिस तरह से ये गिरावट है उस गिरावट को अभी ये होल्ड कर रहा है, रोक रहा है, मुझे लगता है अगर गिरावट अब बनेगा तो 325 के नीचे, और अगर ये 350 के ऊपर निकलता है तो मजबूत हो जाएगा 360 से 70 के टारगेट के लिए। तो यह था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में सबसे पहले आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए मजबूत तो रहा आईटी इंडस्ट्रीज, नो डाउट।
34,500 को ऊपर जाने पर आईटी में और भी मूवमेंट बन सकता है। तो 34,500 से 600 का एक रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा तो 35,500। लेकिन अगर निचला लेवल 35,500 के नीचे आ गया तो कमजोर हो जाएगा, फिर सेलिंग बनेगा। तो बिरला शॉर्ट पे नजर रखिए। देखिए बिरला शॉर्ट वापस उस लेवल पे आ चुका है और 445 से 50 के ऊपर अगर सस्टेन करता रहा तो 475 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात करें, काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, नज़र रखेंगे कोफोर्ज पे। अगर कोफोर्ज इस 4800 के ऊपर निकलता है तो आपको 5000 तक के टारगेट कोफोर्ज भी दिखा देगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट में 1020 का एक 25 से 1020 का एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर निकलेगा तो 1100 के टारगेट। एससीएल टेक्नोलॉजी अगर अपसाइड में अगर निकलता है एससीएल टेक्नोलॉजी 1160 के ऊपर, देन 1180 से 1200 का टारगेट। इन्फोसिस की बात करें 1740 के ऊपर जाएगा तो 60 से 1780 के टारगेट बनेंगे। जस्ट डायल, देखिए जस्ट डायल में 775 तक का लेवल है, उसको ब्रेक करेगा तो 800 तक के टारगेट बन सकता है जस्ट डायल में। अदरवाइज अगर निचला लेवल ब्रेक करता है 730 को सेल करेंगे 715 के टारगेट के लिए। एलएनटी इन्फोटेक 6400 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा 6600 के टारगेट के लिए। माइंडट्री की बात करें, माइंडट्री अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करता है 3700 के नीचे तो कमजोर होगा 3500 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर 4000 को ब्रेक करेगा 4200 का टारगेट बनेगा। एम्फासिस की बात करते हैं, 3200 से 3300 का एक छोटा सा हर्डल है, ज़्यादा नहीं, हालांकि ये पॉजिटिव है एम्फासिस, चूंकि इसने एक नैरो रेंज को ब्रेक किया तो ऊपर के लेवल खोल चुका है ऑलरेडी। 3225 के ऊपर निकलता है 3300-3350 तक के टारगेट बनेंगे। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का हर्डल आता हुआ नजर आ रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट बनेगा, लेकिन वो 3300 का लेवल आ रहा है वहां पे। इन्फो एज की बात करें, इन्फो एज अपसाइड में 4700 के ऊपर निकले तो मूवमेंट बनेगा। निचला एक सपोर्ट एरिया है और छोटा सा बॉक्स एरिया भी है, इस एरिया के नीचे आने पर कमजोर हो सकता है इन्फो एज, यानी कि 4200 के नीचे सेल होगा 4000 के टारगेट के लिए। पेटीएम देखिए 780-85 आ ही गया है, 10% क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है, अपना पूरा क्वांटिटी जितना लेना है उसका मात्र 10% क्वांटिटी इस जगह पर ऐड किया जा सकता है। निचला लेवल और भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे आएगा तो देखा जाएगा, अगर 500 पे आ जाए तो उससे अच्छा बात क्या है, बहुत बढ़िया हुआ है, नहीं तो फिर ठीक है उस 10% का भी मजा लेंगे जो 10% क्वांटिटी ऐड किए रहेंगे, है कि नहीं। तो चलिए वेट करके चलेंगे पेटीएम में। टाटा इलेक्सी की बात करें, देखिए 6800 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा 6900 से 7000 के टारगेट के लिए। TCS की बात करें, टाटा कंज्यूमर, जिसमें 4500 का बायबैक है तो इसका खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपके पास शेयर है तो बायबैक में इसको डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3600 के ऊपर मूवमेंट आ सकता है 3700 के लिए। टेक महिंद्रा 2% की तेजी, 10 लाइन का ब्रेकआउट, सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, ऊपर के लेवल 1465 को ब्रेक करता है तो 1500 के नेक्स्ट टारगेट को दिखा सकता है टेक महिंद्रा। विप्रो, विप्रो में जो लेवल है इस बॉक्स के ऊपर जाने पर विप्रो में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, 580 के ऊपर जाने पर 620 के टारगेट बनेंगे विप्रो में। तो विप्रो भी नज़र रखिए, विप्रो और टेक महिंद्रा एक अच्छा लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी पे व्यू, चलेंगे मेटल की तरफ। और मेटल में सबसे पहले हम लोग मेटल इंडस्ट्रीज को देखेंगे और ये आ गया मेटल इंडस्ट्रीज 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 5700-5600 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, वहाँ से देखिए 3 दिन काफ़ी अच्छी तेजी रही मेटल में और बहुत ही अच्छा लेवल, ऊपर के सारे लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, मजबूत है। और इंडेक्सेस दूसरे इंडेक्सेस के मुकाबले अगर मेटल को देखा जाए तो ये थोड़ा मजबूत दिखा रहा है, हालांकि ये 2 दिनों से गिरावट आया तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि यहाँ 3 दिनों से बहुत अच्छे लेवल से ऊपर की तरफ में गया है। तो 5900 के नीचे आने पर थोड़ी गिरावट और आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अदरवाइज 6100 के ऊपर निकलता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस पर नज़र रखिए, 1650 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1700 के लिए, और नीचे निकलता है 1600 को तो सेल करेंगे 1590 से 1580 के लिए। एपीएल अपोलो शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था यहाँ पर, से देखिए शानदार तरीके से चल रहा है एपीएल अपोलो, कोई दिक्कत नहीं। 875 के ऊपर निकले हुए 900-920 के टारगेट। कोल इंडिया की बात करें, देखिए शानदार कोल इंडिया भी सारे टारगेट दे दिया, डन कर दिया, कहीं कोई टेंशन नहीं। 190 के ऊपर अब कोल इंडिया जाएगा तो फिर रुकेगा 200 के टारगेट के लिए, हालांकि लगभग ये 200 के आसपास पहुंच ही चुका था और एक बार दोबारा से भी टच कर सकता है 200 के लेवल को कोल इंडिया, नजर रखें। हालांकि अगर निचला लेवल ब्रेक कर गया 180 का तो सेल करेंगे 175 से 70 के लिए। हिंडाल्को
तो सारे टारगेट हिंडाल्को के हो गए डन, है ना। जितने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे हिंडाल्को का वो भी हो गया है कंप्लीट, 560 के ऊपर जाने पर 600 तक चला गया। अब 620 के ऊपर नया लेवल बनेगा हिंडाल्को में, 620 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा 640 के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 125 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 130 का नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा, और नीचे अगर ब्रेक करेंगे 120 के नीचे तो 115 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, 325 के ऊपर जब जाएगा 335 से 40 के टारगेट मिलेंगे 55 के, और इसने देखिए हाई लगा दिया है 370 का, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही तगड़ा। 3 तारीख को इसका लेवल था, यानी कि थर्सडे के आसपास ना, हाँ बिल्कुल थर्सडे वाला, तो एक अच्छा मूवमेंट है। अब नीचे अभी जो ये प्रॉफिट बुक आया तो होल्ड करेंगे 300 का स्टॉप लॉस लगा के। जिंदल स्टील की बात कर ले तो जिंदल स्टील में भी अच्छा मूवमेंट बना, देखिए क्या सपोर्ट लाइन से बाउंस किया जिंदल स्टील, और सारे टारगेट ऊपर के डन करके आपको जिंदल स्टील ने दे ही दिए हैं लगभग लगभग, है ना। नजर रखें 450 से 60 के ऊपर अब मूवमेंट बनेगा 480 के टारगेट के लिए। JSW स्टील की बात करें तो इसने भी अपना काम कर दिया, लेकिन 660 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। अगर 660 के ऊपर क्लोजिंग करते तो एक मूवमेंट बनेगा 680 के टारगेट के लिए। मोइल की बात करते हैं तो मोइल अगर नीचे ब्रेक कर गया ट्रेंड लाइन के नीचे 167 से 68 के नीचे तो कमजोर होगा 165 के लिए। ऊपर 172 से 73 के ऊपर निकलने के बाद 175 से 78 का टारगेट मिलेगा। नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं, देखिए तोड़ दिया अपना सपोर्ट एरिया, नीचे अगर ब्रेक करता है 120 को तो कमजोर हो जाएगा 118 से 115 के लिए। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम पे नजर रखिए, 115 तक आ सकता है अगर निचला लेवल को टेस्ट करता है तो। NMDC अभी थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे, NMDC अभी क्लियर नहीं है कुछ भी। हाँ निचला लेवल जो ये जब भी स्टेनलाइन के आसपास आता है तो एक मूवमेंट बनाता है, इसका नजर रखना है आपको। रत्नामणि मेटल 2300 के ऊपर नया मूवमेंट करिएगा, और उसके ऊपर पहले बिल्कुल भी नहीं क्लोजिंग कर दे तो अच्छी बात है, और फिर 2500 के टारगेट दे सकता है। सेल की बात करें तो देखिए सेल निचला लेवल से जिसने भी पोजिशन बनाया हुआ एक अच्छा प्रॉफिट में बना रहे होंगे। हमारा शॉर्ट टर्म कॉल भी था सेल में, और मैंने एक वार पोर्टफोलियो बना के दिया था जिसमें सेल का जिक्र मैंने किया था कि सेल को करेंट लेवल पर बाय किया जाता है। अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा 80-85 के आसपास में तो एक अच्छा प्रॉफिट 20 पॉइंट प्रॉफिट आपको जरूर मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे बताएं वार पोर्टफोलियो, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा टाटा स्टील की बात करते हैं, गजब यहां से सपोर्ट लाइन से ब्रेक लिया, क्या सब गजब का गया है अपना सपोर्ट लाइन लेते बेटे, बहुत ही तगड़ा। 1200 के ऊपर भी निकल गया और तुरंत से 1300 के टारगेट दे दिया। अब 1350 इसका हर्डल है, उसके ऊपर जाएगा तो पोजीशन बनेगा, अदरवाइज एक बार वापस से अपने स्टेन लाइन के पास टेस्ट करने आ सकता है, जिसका प्राइस 1240 से 1250 के आसपास में आ रहा है। वेदांता की बात करें, सारे मेटल में अच्छा मूवमेंट बना, वेदांता ने भी पार्टिसिपेट किया लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर गया वेदांता। 370 के नीचे थोड़ा सेलिंग बनेगा 360 के लिए, एक बार वापस 350 पर आ जाए मजा आ जाएगा, और नहीं तो वापस 390 के ऊपर जाए तो मजा आएगा। बेलेस्टन कॉर्प की बात करते हैं, 155 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे 160 के लिए, और नीचे अगर 142 को ब्रेक करता है 141 को ब्रेक करता है तो 140 से 37 तक के टारगेट सेल साइड में भी दिखा सकता है बेलेस्टन कॉर्प। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे मेरा व्यू, चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फिनसर्व 15000 के नीचे गिरने पे सेल करेंगे 14900 14500 के लिए, ऊपर 15500 के ऊपर निकलता है तो 16000 के लिए बाय होगा। बजाज फाइनेंस की बात करें 6400 के नीचे 6500 के नीचे कमजोरी होगा 6300 के टारगेट के लिए, ऊपर 6600 के ऊपर जाएगा तो 6800 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस जब तक 700 के ऊपर आप क्लोज नहीं करें तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अवॉइड करके चलेंगे, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, अगर ये नीचे 320 के नीचे आता है तो सेल करेंगे, अदरवाइज 355 के ऊपर बाइंग आएगा 370 के टारगेट के लिए। L&T फाइनेंस की बात करते हैं, L&T फाइनेंस नीचे 60 को ब्रेक करेगा तो 58 का टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस सही जगह पे है, बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस को। M&M फाइनेंस की बात करते हैं कि सपोर्ट एरिया पर अगर बाउंस करना है तो ये एरिया बिल्कुल सही है, यानी 142 से 43 के ऊपर जाएगा तो 150 के टारगेट, 140 के नीचे 137 के नीचे 137 के नीचे आ गया तो 135 से लेकर 133 के टारगेट। मुथूट फाइनेंस 1400 के ऊपर वापस से निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नजर रखें मुथूट फाइनेंस थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अगर नीचे 1370 को ब्रेक करता है तो 1350 का टारगेट दे देगा। SR ट्रांसपिन निचला लेवल 1055 के नीचे कमजोर होगा, अदरवाइज यहां पे होल्ड करके चल सकते हैं। तो यहां दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू फायर सेल ब्लू एंजल वन या जरूरदा किसी एक में अकाउंट ओपन कराना होगा। तो दोस्तों अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।